सो हे फ्रेंड्स, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फिरदौस। सो यस फ्रेंड्स, कल है ईद मिलादुन्नबी और सफाई जो है एकदम ज़ोरों शोर से चालू हो चुकी है। माशाल्लाह से घर बनने के बाद तो सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, बस ये जब हमने इसे डीलैमिनेट किया ये कबर्ड को, तो थोड़ा बहुत जो इसमें एकदम चिकनाहट हो गई है प्लास्टिक, क्योंकि काफ़ी दिन लगी रह गई थी। ये देखिए मैडम अमायरा जो है हमारी हेल्प भी कर रही है, टीवी भी देख रही है, खा पी भी रही है मैडम, और ये देखिए टीवी देखते देखते सफाई हो रही है। सो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है और इंशाल्लाह जल्दी ये कबर्ड भी साफ़ हो जाएगा, और एक बार ये हो जाए ना तो पौनी सफाई तो समझ लीजिए हो ही जाएगी। ये देखिए अब हमायरा के डैडी ने कहा कि मैं थक गया हूँ, अब तुम लोग कर लो। सो मैं यहाँ पे हमायरा के साथ सफाई में कंटिन्यू कर रही हूँ, और हमायरा ये देखिए सफाई में मदद से तो ये खेलते ही रह रही है मैडम। देखो ये मैं कर रही हूँ, देखो ना इतना चुन्नू सा हाल। भाई बात ही 40 कर दिया और जिद करेंगे 40 ही देंगे। 25 से 15 क्या है भाई? किसलिए? दहेज सर। सो अभी माशाल्लाह से कबर्ड जो है वो घस के हो चुका है और मैडम को लगी थी भूख, ये खा रही है गुलगुला। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे बेडशीट लगानी बाकी है, माशाल्लाह 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 कबर्ड जो है ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है, और अभी ये कर्टन्स बदलना बाकी है तो धीरे धीरे सब करेंगे। सो कबर्ड क्लीन हो चुका है, वो भी एकदम घस घस के, तो अब बनाएंगे थोड़ा बहुत शाम का नाश्ता। और देख नहीं रहे हो आप, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। सो चलिए फटाफट से बनाते हैं चाय और थोड़ा सा नाश्ता। सो फ्रेंड्स, सफाई कर करके जो है काफ़ी थक गए थे हम, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, चाय की ये रेसिपी ज़रूर देखना और अब नेक्स्ट टाइम से चाय इसी तरीके से बनाइएगा। सो चलिए सबसे पहले ऐड कर देते हैं पानी, और अब इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। देखिए चाय तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा यूनिक होने वाला है। अब ये देखिए 3 इलायची और अदरक को जो है अच्छी तरीके से कूच लें, और जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो इस अदरक और इलायची जो हमने कूची है या कूटी है उसे पानी में डाल दें, और 10 से 15 मिनट इसे पानी में अच्छी तरीके से पकने दें ताकि इसका अर्क पूरा पानी में उतर आए। ये देखिए अब जब इस तरीके से पानी बॉईल होने लगे तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाय पत्ती। बहुत ज़्यादा चाय पत्ती ऐड नहीं करनी है, और अब इसमें ऐड कर देंगे दूध। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध का पाउडर, ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। दूध के पाउडर को पानी में अच्छे से घोल लें और उसे चाय में ऐड कर दें। फ्रेंड्स, यही वो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे हमारी चाय बिल्कुल ही टपरी वाली बनेगी। जी हाँ, हमें ऐसा कहते हैं ना हमेशा कि अरे यार ये टपरी वाली चाय घर में क्यों नहीं बनती है। वो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हम जो है दूध का पाउडर डालते ही नहीं हैं चाय में। सो आप ज़रूर डालें और आपकी चाय एकदम टपरी वाली चाय बनेगी। और अब ज़्यादा हमें चाय को पकाना नहीं है, बस तेज़ आंच पे इसे हौला लेना है। जब चाय अच्छी तरीके से हौल जाए तो फ्लेम बंद कर दें और चाय का मज़ा ले लें। ये देखिए हमारी चाय खौलना शुरू हो चुकी है, तो अच्छी तरीके से खौला लें। फ्रेंड्स, सबका अपना अपना तरीका होता है चाय बनाने का, लेकिन कहने का ये मतलब है कि एक बार ये तरीका आप ज़रूर ट्राई करें और आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। सो ये देखिए अच्छी तरीके से चाय खौल गई है, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत थकान हो गई थी तो ऐसी चाय तो मस्ट है। सो चलिए फटाफट से अब चाय को छान लेते हैं। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि फटाफट से चाय पी लें और सुस्ती जो है भगा दें और बाकी के काम कर लें। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से चाय बन गई है और अब इसका मज़ा लेते हैं हम ग्रिल में। और अब चाय पी के एक फ्रेशनेस आ गई थी, और अब ये सब छोड़ के हम जा रहे हैं ऊपर, मिलाद शरीफ है, आके बाकी के काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं मिलाद शरीफ से आ गई हूँ, ये मैंने अमायरा को न्याज दे दी है, और मिलाद शरीफ में हमें झंडा दिया गया था, तो मैंने सोचा कि ये झंडा जो है हम लगा देते हैं बाहर ग्रिल में। ग्रिल में वैसे भी लाइट लगी है माशाल्लाह से, सो झंडा लगने से तो और भी अच्छा लगेगा।
ये देखिए कुछ इसे अंदर से डबल करके लगाना पड़ेगा। सो माशाल्लाह ये देखिए झंडा भी लग गया है, कितनी अच्छी लग रही है ग्रिल। अब फटाफट से जो है बेडशीट्स और कर्टन्स लगा देते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कर्टन्स भी लग गए हैं, बेडशीट्स भी बिछ गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और कल की तैयारी करनी है, सो जल्दी जल्दी सो जाते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को भी बहुत सारी तैयारी करनी होगी, तो चलिए फटाफट से अभी सोते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप सभी लोगों को ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जितना हो सके दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा और सभी लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चाय की रेसिपी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो अपने घरों में, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को ईद मिलाद उन नबी बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।